डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अगेन वन मोर मॉडल ऑफ एटम एंड दैट इज़ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. सो लेट अस स्टार्ट. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम या हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इनफैक्ट ये जो एक्चुअली रदरफोर्ड था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज़ कॉल्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही इसने अपना मॉडल दिया था जिसका हम नाम देते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. तो इसका जो ये मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. तो एक्चुअली किया था क्या इसने, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इसने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे. तो सबसे पहले हमें अल्फा पार्टिकल्स पता होने चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं. चूँकि हम जानते हैं कि अगर हम हीलियम को ले लेंगे, हीलियम इट कंटेन्स प्रोटॉन्स टू, इसके पास न्यूट्रॉन भी दो होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास दो होते हैं. अगर हम न्यूट्रल हीलियम एटम ले लेंगे तो अगर हम यहाँ पे इसकी सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो ये मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो और यहाँ पे प्रोटॉन इसके दो हैं और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी दो हैं. ये मैंने हीलियम को दिखाया यहाँ पे. तो अगर हम इस हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से, दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने से वहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपली वहाँ पे फिर न्यूक्लियस ही बच जाएगा. क्योंकि जो ये यहाँ पे शेल्स में दिखा रहा हूँ जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये शेल्स तब तक ही वहाँ पर होंगे जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर निकाला, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, तो इसका मतलब यहाँ पे शेल नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, दो, न्यूट्रॉन्स कितने हैं दो. इसी हीलियम के न्यूक्लियस, ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है, इट इज़ कॉल्ड अल्फा पार्टिकल. तो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल क्या है, सिंपली अगर हम हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालें तो वहाँ पर जो बच जाता है दैट इज़ इनफैक्ट कॉल्ड अल्फा पार्टिकल. So, what are these alpha particles? Alpha particles are simply helium nuclei. तो यहाँ पे मैं पहले लिखना चाहूँगा. यह आप याद रखिएगा. So, alpha particles are helium nuclei. हीलियम न्यूक्लियस. तो अगर ये हीलियम का न्यूक्लियस है, अगर हम हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे बच जाता है सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हैं. तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज़ न्यूट्रल, पर प्रोटॉन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी. तो यही वजह है जो कि अल्फा पार्टिकल्स हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्जड. तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस represented by, इसको हम इस तरह से represent करेंगे, represented by H e di positive, चूँकि दोनों electrons हमने बाहर निकाले हैं तो यहाँ पर atomic number 2, mass number 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं. 2 positive इस वजह से क्योंकि हमने दोनों electrons बाहर निकाले हैं. represented by H e 2 4 positive di positive and are and they are
पॉजिटिवली चार्ज्ड, या हम इस तरह से लिखें दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, या आप याद रखिएगा हीलियम पार्टिकल्स के बारे में. नाउ अब इन जो पॉजिटिव चार्ज्ड सॉरी हीलियम पार्टिकल्स, या मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा अल्फा पार्टिकल्स के बारे में. सो अल्फा पार्टिकल्स है क्या? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लिए. जब भी हम हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे जो बच जाता है दैट इज़ इनफैक्ट अल्फा पार्टिकल. तो ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी पॉजिटिव चार्ज है, और इन ही अल्फा पार्टिकल्स को उसने इस्तेमाल किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट क्या किया था उसने? एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली उसने गोल्ड फॉइल ली थी. मैं यहां पे गोल्ड फॉइल दिखा रहा हूं, इट इज अ गोल्ड फॉइल. ये आप समझो यहां पे गोल्ड फॉइल है. गोल्ड फॉइल, वेरी फॉइल का मतलब है वेरी थिन शीट. और ये थिन शीट किसका लिया था इसने? गोल्ड का. और इस थिन शीट ऑफ गोल्ड पे इसने बम्बार्डमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स का. इसने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया था इस पे. ये मैं अल्फा पार्टिकल्स दिखा रहा हूं. और इनफैक्ट इस गोल्ड फॉइल के अराउंड इसने एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा था, और जो ही ये अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करता है तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड सेंटिलेशन. तो जिसकी वजह से हमें पता चलता था कि अल्फा पार्टिकल्स किस तरफ जा रहे हैं. तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक इनफैक्ट इसने सर्कुलर स्क्रीन रखा था, तो मैं यहाँ पे आधा दिखा रहा हूँ. तो इसने क्या देखा कि जो भी उसने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट इस पर किया था, इसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस शीट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. तो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे जा रहे थे इस गोल्ड फॉइल से, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी. और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे बाय अ स्मॉल एंगल, जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं. और इनफैक्ट कुछ अल्फा पार्टिकल्स को इसने देखा, यहां पे मैं इस तरह से दिखाना चाहूंगा. इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो यहां से जा रहे थे तो उसी रास्ते से वो वापस भी आ रहे थे. दे वर रिट्रेसिंग देयर पाथ. मैं फिर कहने जा रहा हूं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. वेरी स्मॉल नंबर ऑफ गोल्ड दीज अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल, एंड वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे रिट्रेस देयर पाथ. और जिस रास्ते से वो यहां से गए थे गोल्ड फॉइल की जानिब, उसी रास्ते से वो वापस आई. तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने एक कंक्लूजन निकाला. क्योंकि इसने कहा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल रहे हैं गोल्ड फॉइल से, तो इसका मतलब है कि गोल्ड फॉइल में मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है. तो अगर गोल्ड फॉइल में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, तो इसका मतलब है गोल्ड फॉइल जिसकी बनी है उनमें मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है. क्योंकि गोल्ड फॉइल बनी है एटम्स की, तो इसका मतलब एटम्स में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है. तो सबसे पहला जो कंक्लूजन वो इसने इसी इस तरह से निकाला, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द गोल्ड फॉइल, और वी कैन से इन एन एटम इज एम्प्टी. तो
यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, यहां पे आप इसको नोट कीजिएगा प्लीज. नाउ तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन विच शोज मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि गोल्ड फॉइल में से मैक्सिमम पार्टिकल्स पास हो रहे थे, तो इसका मतलब गोल्ड फॉइल में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है. अगर गोल्ड फॉइल में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, तो इसका मतलब है गोल्ड फॉइल जिनकी बनी है वहां पे मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है. क्योंकि गोल्ड फॉइल एटम्स की बनी है, तो इसका मतलब एटम्स में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है. तो ये यहां पे मैंने लिखा. तो ये पहला जो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन उसने देखी, वो उसने इस तरह से एक्सप्लेन की. नाउ सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसने देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे गेट डिवेटेड बाय अ स्मॉल एंगल, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो अगर ये डिवेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां पे गोल्ड फॉइल के एटम्स में वहां पर भी कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि उस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स विल गेट रिपल्ड, और उसी रिपल्शन की वजह से ये डिफ्लेक्ट होंगे. तो इससे चूंकि ये कुछ पार्टिकल्स के डिफ्लेक्ट होने की वजह से इसने अब ये कहा कि इसका मतलब है कि गोल्ड फॉइल में जो एटम्स हैं वहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को कुछ अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से डिफ्लेक्ट कर देती है. तो एक और पॉइंट जो हम यहाँ पे अब लिखना चाहेंगे, नफसी मैं इसको रब करने जा रहा हूँ आप, सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड विच शोज देयर इज सम positively charged body present within the atom. तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से इसने ये कंक्लूजन निकाला कि वहां पर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है एटम्स में जो इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है. नो नंबर थर्ड जो इसने अब यहां पर देखा, मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं. तीसरा पॉइंट इसने अब क्या देखा, थर्ड पॉइंट यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, जो जू ही वो गोल्ड फॉइल की जानिब जा रहे हैं, तो वो अल्फा पार्टिकल उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं. मगर ये इसने देखा अराउंड 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल. तो चूंकि इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, अब इसी रास्ते जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते से वो वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल्स सिंस दे आर हैवी पार्टिकल्स, तो अगर इनको कोई वापस भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे इनसे भी ज्यादा हैवियर बॉडी होनी चाहिए जो इनको वापस भेज रहा है. तो इसका मतलब यह है कि इसने इस जो अल्फा पार्टिकल जो अपने ही रास्ते से वापस आ रहे थे, तो इनके जो वापस आने
से इसने ये यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पे कोई हेवियर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होनी चाहिए जो इन अल्फा पार्टिकल से भी हेवी होगी, जो इनको रिपल्शन की वजह से वापस भेज रहा है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा, सिंस वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सिंस वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स नियरली वन आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स वायर retracing their path back when they were allowed to pass through the gold file which indicated that there is some heavier positively charged body present within the atom. क्योंकि इसने बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स को देखा कि वो अब जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि इन अल्फा पार्टिकल्स को अंदर इस गोल्ड फाइल में कोई हेवियर पार्टिकल वापस भेज रहा है, और चूंकि इनको वापस भेज रहा है तो इसका मतलब उस हेवियर पार्टिकल की चार्ज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की पॉजिटिव चार्ज और उसकी पॉजिटिव चार्ज रिपल करने की वजह से ही ये वापस आ जाएंगे। अदरवाइज अगर उसकी चार्ज नेगेटिव होती तो ये अल्फा पार्टिकल उसके साथ चिपक जाते। क्योंकि ये वापस आ रहे हैं तो उसका मतलब उस हेवियर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की चार्ज भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे लिखा, सिंस वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स नियरली वन आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स वायर रिट्रेसिंग दियर पाथ बैक वेन दे वायर अलाउड टू पास थ्रू द गोल्ड फाइल विच इंडिकेटेड दैट देयर इज सम हेवियर पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम। ये इसने कंक्लूजन निकाला था। नाउ लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये। फोर्थ वन, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स चाहे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे या वो वापस आ रहे थे, वो बहुत ही कम पार्टिकल्स थे, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो या वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे या वापस आ रहे थे। तो इसका मतलब इसने ये निकाला, इसका कंक्लूजन इसने ये निकाला कि ये जो पार्टिकल्स चाहे वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या वापस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की वजह से ही डिफ्लेक्ट या वापस आ रहे हैं। क्योंकि इन अल्फा पार्टिकल्स का नंबर जो वापस आ रहे हैं या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनका नंबर बहुत ही कम है, तो इसका मतलब कि जो एटम में ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हेवियर बॉडी हैं इसने बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। तो लास्ट पॉइंट, सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वायर डिफ्लेक्टेड which showed that heavier positively charged body occupies very small volume
वॉल्यूम इन एन एटम। तो इससे इसने ये कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इन अल्फा पार्टिकल को चाहे डिवेट कर रहा है या वापस भेज रहा है, चूँकि उन अल्फा पार्टिकल्स का जो तदाद है वो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब उस हेवियर पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी जो है, जो एक एटम है, उसने बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हेवी बॉडी है जिसने बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा एटम में, उसको इसने नाम दिया दैट इज न्यूक्लियस। तो इस तरह से न्यूक्लियस की का कंसेप्ट एटम्स में आया। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ये पॉइंट कि जो न्यूक्लियस का कंसेप्ट था ये रदरफोर्ड ने ही दिया था। तो अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ। अब जो इसने अपना ये मॉडल दिया, इस मॉडल को हम इस तरह से अब हम लिखेंगे। अब जो ये ऑब्जर्वेशंस थे जो इसने देखे थे बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, उन ऑब्जर्वेशंस का निचोड़ इसने निकाला और इसने एटम का मॉडल इस तरह से दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और अब इसने ये कहा कि ये जो एटम है, एक्चुअली इस एटम में एक हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है जिसका नाम दिया है इसने न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और इनफैक्ट इसने ये भी कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व करते हैं जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। तो यही वजह है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक और नाम से भी हम जानते हैं कि इनका नाम दिया गया था प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। According to Rutherford, electrons are revolving, इसने कहा कि electrons stationary नहीं है, electrons रुके हुए नहीं है वहाँ पे, but electrons are revolving around the nucleus in the same way as planets revolve around the sun. He called these electrons as planetary electrons। तो इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी तरह से रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अब जो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है उसके हिसाब से जो एटम है इसके बीच में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसने एक और चीज़ यहाँ पे कहा, इनफैक्ट जब रदरफोर्ड ने भी
पहले ये मॉडल दिया था, उस वक़्त भी न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, फिर न्यूट्रॉन्स को इसमें इंक्लूड किया गया था, ये आप याद रखिएगा। अब हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी है। नाउ सी, चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी को इसने कैसे एक्सप्लेन किया कि एटम में वो किस तरह से किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर रिवॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। तो इसने कहा कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक किस्म का फोर्स पैदा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप याद रखिएगा। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये रेडियली आउटवर्ड्स होता है, रेडियली आउटवर्ड्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में ड्रॉप नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसने ये समझाया कि हाउ दिस एटम इज स्टेबल। तो जो इसने ये मॉडल दिया, इस मॉडल के कुछ लिमिटेशंस थे, तो उन लिमिटेशंस को किस तरह से, पहले ये लिमिटेशंस किस तरह के थे इस मॉडल में, उसके बारे में हम यहाँ पे देखना चाहेंगे पहले। तो यहाँ पे आप ये नोट कीजिएगा, हम अब लिमिटेशंस लिखना चाहेंगे। ये जो मॉडल इसने दिया कि इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस क्या थे हम देखना चाहेंगे यहाँ पे, आप नोट कीजिए प्लीज़। नाउ सी, जो लिमिटेशंस इस मॉडल के थे, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, मैं यहां पे फिर ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मैं इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दिखा रहा हूं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ सी, एक्चुअली जो ड्रॉबैक इसमें पाया गया वो इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। नाउ पहले हम ये देखेंगे मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इनफैक्ट रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया था प्लेनेट के साथ और न्यूक्लियस को कंपेयर किया था सन के साथ, बट इनफैक्ट वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू। जब हम प्लेनेट्स और सन की बात करते हैं, दे आर न्यूट्रल बॉडीज एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक बिग ऑब्जेक्ट्स, बट व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस दे आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड दे आर चार्ज्ड बॉडीज। तो जब हम चार्ज्ड बॉडीज की बात यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड बॉडी है, और जब भी एक चार्ज्ड बॉडी, मैक्सवेल ने ये दिखाया था कि जब भी एक चार्ज्ड बॉडी एक्सलरेट करती है, या हम इस तरह से कहेंगे, जब भी एक चार्ज्ड बॉडी किसी फील्ड ऑफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में होगी, तो उससे क्या होता है कि वो चार्ज्ड बॉडी एनर्जी रिलीज करती है, इमिट करती है। इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज्ड बॉडी है, इस तरह से आप समझेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अगर हम मान के भी चलेंगे लेट द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टेंट, मगर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। तो जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूँ।
तो मेरे कहने का मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज चेंजिंग इट इज डायरेक्शन. एंड व्हेन द चार्जड बॉडी, व्हेन द चार्जड बॉडी इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस व्हाइल चेंजिंग इट इज डायरेक्शन, आई मीन व्हाइल चेंजिंग इट इज डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग. एक्सेलरेशन में जनरली अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है. अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को कांस्टेंट भी रखें मगर अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उससे भी वो बॉडी एक्सेलरेट करती है. अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करता है विथ कांस्टेंट स्पीड मगर इसकी डायरेक्शन रिवॉल्व करने के दौरान चूँकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग. एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड बॉडी है फिर ये एनर्जी इमिट करता है, तो अगर ये एनर्जी इमिट करता है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होती है, तो इसका मतलब एक रिवोल्यूशन करके इसकी एनर्जी कम होगी तो दूसरा रिवोल्यूशन करके फिर कम होगी फिर कम, तो जो ही ये रिवॉल्व करता जाएगा ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी कम होती जाएगी. तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन की ये हम आगे भी देखेंगे जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही ये न्यूक्लियस से दूर होगा और जितनी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी उतना ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा. तो अगर हम ये मान के चलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस डिस्टेंस पे तो रिवॉल्व करने के दौरान ये एनर्जी लॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी कम होगी, तो जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ऑटोमेटिकली ये न्यूक्लियस के करीब आएगा. तो ये रिवॉल्व करने से फिर एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे फिर एनर्जी लॉस होगी तो इसका मतलब ये फिर न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, फिर आता जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट शुड ड्रॉप इनटू द न्यूक्लियस. तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इट शुड ड्रॉप इनटू द न्यूक्लियस, मतलब एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए. बट एटम्स आर स्टेबल, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, वी आर फाइंडिंग देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ दीज एटम्स. दिस पेन इज मेड ऑफ एटम्स, बोर्ड इज मेड ऑफ, दिस इंक इज मेड ऑफ. We see all around us there are innumerable objects which are made of these atoms. So atoms are very much stable. तो इस हिसाब से according to Maxwell अगर ये electron revolve कर रहा है around the nucleus, चूँकि electron एक charged body है और revolve करने से ये accelerate कर रहा है, तो accelerate की वजह से अगर ये accelerate कर रहा है तो इसकी energy loss होनी चाहिए, तो जब electron की energy loss होगी तो automatically ये nucleus के करीब आता चला जाएगा. At last, it should drop into the nucleus. मतलब atoms stable नहीं होने चाहिए. But atoms are very much stable. तो ये atoms किस तरह से stable है ये Rutherford ने explain नहीं किया. तो एक और जो limitation जो आप देखेंगे आगे वो है कि हमें spectrums मिलते हैं. जब हम atoms का spectrum लेते हैं तो वहाँ पर हमें spectrums मिलते हैं which we call a line spectrums. तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. इन लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम्स हैं एटम्स के, इनको भी रदरफोर्ड के मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो जिसकी वजह से फिर एक नया जो कंसेप्ट था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में वो दिया गया. वो किस तरह का है वो हम आगे लेक्चर में देखिए. तो आज के लिए इतना ही, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. तो यहाँ पर मैं लास्ट पर एक और पॉइंट कहना चाहूँगा. इनफैक्ट इस रदरफोर्ड ने सबसे जो अहम पॉइंट था ये यहाँ पे कि न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया था, और इनफैक्ट इसने ये भी कहा था जो अगर आप कंपेयर करेंगे विथ थॉमसनस मॉडल, थॉमसन ने कहा था कि पूरे एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसने कहा कि एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि एटम का मास जो कंसनट्रेटेड होता है वो इस न्यूक्लियस में ही होता है. और इनफैक्ट इसने ये भी दिखाया मैथमेटिकली कि हर किसी एटम का जो भी कोई एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मास नंबर क्या है,
हर किसी एटम के न्यूक्लियस का, अगर हम किसी भी एटम की न्यूक्लियस की डेंसिटी देखिए, दैट इज सेम, दैट इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब हर किसी एटम की जो एटम की जो हर किसी एटम का जो न्यूक्लियस है उसका जो डेंसिटी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास, ये आप याद रखिएगा. सो दिस वॉज अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.